अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है मंगल और अली ने अभी मुझे ज़बरदस्ती उठाया है और बोला है अनस भाई चलो मेरे साथ मंगल बाजार चलो। और तो और भाई साहब ने अपनी साइकिल भी स्टोर से निकाल ली। अली की साइकिल चेक कर, अली की साइकिल का पंचर चेक कर, साइकिल स्टोर से निकाल ली चेक कर, जल्दी चलो अनस भाई साइकिल का पंचर लगाना। आपने तो साइकिल पे पूरा गाना ही बना दिया भाई। चलो भाई पहले अली की साइकिल हम पंचर वाले को देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं मंगल बाजार, ठीक है। और इस व्लॉग को भी यहीं से करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू शो। आराम से भाई, अब आज फिर से अली की मस्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। चलो मैं बाइक पे आ रहा हूँ। बाइक पे भाई पापा ने फुल बलूची कवर चढ़ाया हुआ, चेक करो। रास्ते में हम लोगों को असद भी मिल गया। क्या हाल है असद? चल बैठ जा, मंगल बाजार चले। अली बैठ के नहीं जाओ, टायर ही फट जाएगा यार। नहीं ना, टायर फट जाएगा, यहाँ से टायर भी नहीं मिलता है, पैदल पैदल जाना है यार। ये नहीं मानेगा, मुझे लग रहा है टायर ही फट जाएगा। चलते हैं, खड़ा होके जा रहा है देखो अली साइकिल पे। पंचर साइकिल में भी इसको सकून नहीं है। अली गिर जाओगे। पंचर वाले अंकल को साइकिल दे दिए भाई, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है। जब तक आप पंचर लगा दें साइकिल, यहाँ से इसकी ब्रेकें नहीं मिलती है। अली ने ब्रेकें भी तोड़ी हुई है, हाल बेहाल किया हुआ है। ब्रेकें नहीं मिलेंगी ना यहाँ से, थोड़े दिन ये साइकिल चलाओ फिर आपको न्यू साइकिल दिला देंगे, पक्का पक्का। चलो चलो बैठो 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 जी, ये वाला ठीक है, इसमें हवा चेक कर लेना, ठीक है। चलो चलो चलो, मंगल बाजार तो आ गए हम लोग, लेकिन आज ना मंगल बाजार में ना तो इतना रश है और ना इतनी ज्यादा कोई चीजें। कबूतर है, कबूतर लेने ना हम लोगों ने। चूजों का सीजन ही नहीं भाई, अभी सर्दी है ना, तो अभी चूजों का सीजन नहीं। अभी हम लोगों ने चेक किया, सारे मुर्गे मुर्गियां मिल रही हैं। अरे भाई अली तो जो चीज देखता है ना बोलता है मुझे यही चाहिए। और यहाँ पे मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं यार। कोई अगर न्यू चीज हुई ना, न्यू चीज वो आपको दिलाऊंगा। अरे भाई तीतर, तीतर है, तीतर होंगे ना भाई, देखते हैं। अरे हाँ, ये रे ये रे, अरे ये रे, अरे तीतर का बच्चा भी है भाई। कितने के? 7,000 का एक तीतर है भाई। नीचे बड़े वाले तीतर भी। ये रहे, यहाँ पे सील मुर्गे हैं भाई। कितने का ये सील मुर्गा? 3,000 का। लड़ता है ये? लड़ता है। अली लड़ो इसके साथ। मैं क्यों लड़ूं ना भाई? कौन? अरे भाई बहुत बड़ा मुर्गा है। अगर हम लोगों ने सील मुर्गा ले लिया ना तो भाई हमारे, आपको पता है मिनी जू में भी सील मुर्गा है, सील मुर्गों की लड़ाई हो जाएगी। मुर्गा नहीं चाहिए हम लोगों को। ये रहा एक सील मुर्गा, ये रहा भाई। वैसे आज कोई न्यू चीज नहीं है, रैबिट्स हैं, डक्स हैं, दो बटेर और हैं। ये रे भाई, ये देखो पैरोट भी है। पैरोट कहाँ है? अरे ये रहा यार बेचारा पैरोट, लगता है इसको खाना शाना नहीं मिल रहा, इसका हाल बेहाल हुआ हुआ है। ब्लैक कलर के मुर्गे, डॉन के लिए पार्टनर, अभी सीजन नहीं है ना हम लोग। मैं तो बोल रहा हूँ चलते हैं हम लोग ना दूसरी वाली साइड पे, वहाँ पे जहाँ पे ना बकरी के बच्चे और काओ के बच्चे। अगर कोई बकरी का बच्चा मिल गया ना आज हम लोगों को, तो बकरी का बेबी अली को मैं दिलवा दूंगा, पक्का पक्का। चलो चलो, बकरा मंडी वाली साइड हम लोग आ गए और अली की तो हरकतें स्टार्ट हो गई हैं। भाई कितने का ये? 20,000 के भाई। इतना सस्ता बेच रहे हो? नहीं मुफ्त में भी नहीं चाहिए भाई, हमें तंग करता है, फ्री में भी नहीं चाहिए। अबे भाई इधर आओ, इधर आओ, उसके कान चेक करो भाई, उसके कान कितने बड़े बड़े हैं। तंग नहीं करना, तंग नहीं करना इसको। इधर आओ, अबे भाई चेक करो, न्यू बॉर्न बकरी के बेबी हैं, इतने क्यूट क्यूट, छोटे छोटे से है ना। ये ना माँ के साथ देंगे भाई। कितने की बकरी का? 55,000 की, बच्चों के साथ। सिर्फ बच्चे तो नहीं दोगे ना? बच्चे नहीं देंगे भाई, वो इतने छोटे छोटे से बच्चे। कितने दिन के बच्चे हैं ये? 4-5 दिन के बच्चे हैं जी। चलो आओ आगे देखते हैं, अगर आगे और हुए तो। अरे भाई इधर और भी बहुत सारे बकरी हैं और बकरी के बेबीज भी हैं छोटे छोटे। उए अली ने तो बकरी का बेबी उठा लिया है। भाई कितने का ये? अम्मी के साथ मिलेगा, अकेला नहीं दोगे? वैसे अम्मी के साथ कितने का है?
65,000 रुपए का। ये वाली इसकी अम्मी है, ये भाई इन दो बच्चों की माँ है। ये देखो इतने क्यूट क्यूट माशाल्लाह जी। आगे भी हैं वो, ये तो छलांगे भी लगा रहे हैं। ये देखो भाई, भाई कितने का बकरी का बच्चा? 15,000 रुपए का एक बच्चा या दो बच्चे? एक बच्चा 15,000 का। यार आप तो बहुत महंगे दे रहे हो। और इसके साथ बकरी के साथ कितने के? 7,000। दोनों बकरी के बच्चे और बकरी? दोनों बकरी के बच्चे और बकरी? यार ये बहुत ज्यादा महंगे दे रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह। बेबी हो ना बकरी का, आप दिलवा दोगे आप क्यों? अरे भाई वो माँ के साथ दे रहे हैं। वो वाला तो माँ के साथ नहीं दे रहे ना, वो अलग से दे रहे हैं। नहीं अलग से नहीं दे रहे, वो अलग से बहुत ज्यादा पैसे बोल रहे हैं। असद ये देख ओड़े और माशाल्लाह। कितने के लाला? 55 बकरी के साथ 55 अकेला नहीं देना जी। कितने दिन के? 5-6 दिन। 5-6 दिन अकेला नहीं देना जी, उसको अकेला नहीं देना। अकेला वो बोल रहे हैं दे देंगे। वो दे दोगे एक बच्चा? अकेला। कितने का जी? केला बच्चा लेना है? आप बताओ कौन से वाला लेना है? सर हम लोगों को बकरी लेनी है, ये ऐसी कोई बकरी लेनी है, बच्चा बकरी का। ये व्हाइट वाला जी? ये व्हाइट वाला कितने का दोगे? ये 12,000। यार लाला 12,000 तो बहुत। बच्चे घर के पुत्री मरी थे जरे, मैं इसको करके समझा। अंकल मेरी बात सुने, यार हम पहले भी लेके गए हैं, 5,000 देंगे। हाँ सर 5,000 का ही लिया था ना पहले भी। मेरी बात सुने, हम लोगों ने बनाया था पूरा जू, उसके अंदर सारे जानवर रखे हुए हैं, बकरी इसलिए ले रहे हैं ना। 5,000 का दे देना। ये कितने का दोगे दोनों साथ? 35 के दोनों बच्चे और बकरी? यार ये तो दे दो यार, ये 5,000 का थोड़ा कम लगाना। नहीं नहीं यार नहीं दे रहे। चलो फिर मैं पता है क्या बोल रहा हूँ यार, नेक्स्ट मंथ ना हम लोग पता है क्या करेंगे, बकरी भी ले लेंगे और बकरी के बेबी भी ले लेंगे। ठीक है आप झूठ बोलते हो, आप लेते तो। अरे लेंगे लेंगे यार, हम तो वापस जा रहे थे भाई। अली ने एक और जगह बकरी के बेबी पसंद कर ली है। भाई कितने के ये दोनों बेबी? 20,000। 20,000 बहुत ज्यादा बता रहे हो यार, हम पहले भी लेके गए हैं। इनकी माँ की कीमत कम हो जाएगी, देखो ना ये बच्चे महंगे होते हैं, बच्चे महंगे होते हैं। फाइनल बताओ कितने के दोगे? फाइनल तुम बात बोलोगे तो मुझे फाइनल। भाई हम आपको 10 देंगे, 10,000 में काम है। तुझे अच्छे लगते तो 15 में देंगे बस। 15 नहीं भाई, ये देखो ये रोने के लिए बैठ गया, इधर नाराज हो गया मुझसे। बच्चे पैसे भी ना दो, बच्चे भी लेके चला जाए। बाकी सब नहीं 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 यार, पैसे आपको देंगे, आपकी मेहनत है यार, आपकी चीज है, आपको पैसे तो हम दे के जाएंगे। तुझे अच्छे लगते तो 15 में ले जाओ बस। 15,000 ले गई हम, 10,000 आए भाई। इसको रख लो फिर आप अपने साथ, इसको भी अपने साथ ही ले जाओ, ये बकरियों के साथ रहेगा। ये अब जिद करने लग गया यार। सही है यार, बस 10,000 में डन। चलो यार तुम 2,000 और ना देना, 13 मिले जा बस। यार नहीं ना यार भाई, अब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, बस 10,000 में आप डन करो। प्यार कम है, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मेरी बकरी पता नहीं कितने की बिकेगी। नहीं नहीं बिक जाएगी इंशाल्लाह, दुआ करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं ना आपको दुआ देंगे। अच्छा चलो दुआ करोगे तो ले जाओ। ठीक है बकरी आपको और भी बच्चे देगी, यकीन मानो मुझे बकरी कम पैसे करेगी। नहीं नहीं नुकसान होगा, लेकिन बस बस यार मोहब्बत है यार, ये पंजाब वाले भाई की मोहब्बत है यार। ठीक है भाई, अली को मैंने दोनों बकरी के बेबी दिलवा दिए। मरेंगे तो नहीं ना ये? नहीं नहीं ये मरेंगे नहीं, नहीं दूध पिलाना है तब तक ये। वो है भाई, ये तो इतना खेल रहे हैं भूख की वजह से, दूध पिलाना नहीं। ठीक है ना भाई, हम दूध शूद पिलाएंगे, ठीक रहेंगे ना? ठीक रहेंगे। ठीक है भाई, डील हमारी डन हो गई है भाई से। 10,000 में हमने दो बकरी के बेबीज का सौदा डन कर लिया। अब तो खुश हो ना? पक्की बात है? ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। बकरी के बेबी तो हम लोगों ने ले लिए, लेकिन असद बोल रहा है ये बेबी मर जाएंगे। मर जाएंगे और क्या, मर जाएंगे। ओ ऐसे है ना, इनको फीट होने दूध पिलाना है, अगर इनको बड़ा करना है। बकरी के बगैर फिर भी मर जाएंगे, सर्दी है। फीडर से? अरे हाँ यार, यार ये ना क्या करें फिर, इसकी माँ को भी लें यार। ये इसकी माँ कितने की दोगे फाइनल बताओ? माँ का 20 बोला है। 20,000? नहीं नहीं यार नहीं यार, देखो ना 20 देखो ना, मर जाएंगे ना यार। ये प्यार मोहब्बत करो, फाइनल लगाओ इसको यार। फाइनल कितने में दोगे? फाइनल चलो तुम 1,000 कम देना 20 से। 19,000 यार असद, 19 15,000 इतना बजट नहीं है, यकीन करो। हम तो बस वैसे ही ले रहे हैं, हमने बोला चलो यार ये बच्चे मरे नहीं इस वजह से, अली की जिद की वजह से भाई। ये देखो यहाँ पे इतना हजूम लग गया है। फाइनल यार
हजार और कम, 18 मिले जो बस। 10 देंगे आपको। नहीं नहीं 10 बहुत कम है। 10 देंगे? नहीं नहीं भाई 10 बहुत कम है। बता यार असद कितने? 12 हाँ 12 में हमारी हो गई, हमारी हो गई। कितने में? 12 में। नहीं नहीं 12 में नहीं। फिर करो यार अली यार, आपकी वजह से देखो यार। इसके कहने पे यार कितने कितने में? 13 देना पास। 13 12 सही है ना यार? अब 1000 तो आप भी बचाओ, ये अली भाई की वजह से देखो। चलो ठीक है डन करो यार, 13 में ले लेते हैं। 13000 की हम लोगों ने बकरी भी ले ली है, ताकि भाई हमारे जो बकरी के बेबीज हैं ये मरे नहीं भाई, इनको उठा लो। और इनको लेके अब कैसे जाएंगे? पिला देंगे और हम भी पी लेंगे। हाँ बकरी भाई, ये बकरी दूध तो देती है ना? हाँ दूध बहुत है, बच्चे हैं तो इसलिए दूध है ना। चलो 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 भाई, बकरी हमारी दूध भी देगी। चलो 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 चलो, हमारे पास पैसे कम थे तो पैसे हम लोगों ने घर से मंगवाए, और बकरी और बकरी के बेबीज हम लोगों ने ले लिए हैं। अब असद बोल रहा है कि ये बाइक पे ले जाएगा, ले जाएगा, पहले बकरी को लेके जाएंगे। ओए ओए ओए, बकरी ने सूसू कर दिया। चलो ठीक है, पहले बकरी को लेके जाएंगे, इतना थोड़ी देर तक हम लोग, ये लोग बकरी को मिनी जू में छोड़ के आएंगे, हम लोग यहीं बैठ के बकरी के बेबीज के पास वेट कर लेंगे। ले जाएगा ना, पक्की बात है ना सर? चलो चलो चलो, बिठाओ बिठाओ, लेके जाओ जल्दी। ठीक है, हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं बकरी के बेबीज के पास, तुम लोग जल्दी से छोड़ जाओ। ठीक है भाई ठीक है, ये रहे हमारे बकरी के बेबीज। गाइस आप लोग कमेंट्स में नाम भी बताओ कि हम लोग अपने बकरी के बेबीज का क्या नाम रखें। अभी आप, अभी एक जो है ना, एक जो है बिल्कुल व्हाइट है, और एक थोड़ा थोड़ा सा देखो ब्राउन ब्राउन है। आपने मुझे काऊ का बेबी और काऊ भी दिलवानी है यार। ये देखो भाई मेरा हाथ खा रही है। ओए 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 ओए, ये तो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो टांगे ना वो बंधी हुई है, तो हम इनकी टांगे अपने मिनी जू में ही जाके खोलेंगे। ये लो मिनी जू में रखेंगे। जी मिनी जू में रखेंगे। ये लो, मजा आ रहा है भाई। ओ इतने छोटे छोटे से दाल दे इसके, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। असद लोग बकरी को मिनी जू छोड़ के आ गए, अब हम लोग बकरी के बेबीज को भी बाइक पे ही लेके जा रहे हैं मिनी जू। चलो 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 जल्दी चलो। बकरी को और बकरी के बेबीज को हम लोग मिनी जू लेके आ गए, और इनकी ना हम लोगों ने अलग से जगह बना दी है, और यहीं पे ना बकरी को बांध भी देते हैं ताकि ये कहीं जाए ना। अरे बकरी को नहीं जाने दो उधर, बकरी के बेबीज पे हस्की डॉग भी अटैक कर सकते हैं, और हमारा ओरी भी अटैक कर सकता है। कोई और, ये देखो डॉग्स, डॉग्स को गुस्सा आ रहा है, कहीं बकरी के बेबी के पीछे ना लग जाए। डक नहीं नहीं, ओए ओए अभी मारने वाली थी डक यार, इनको अलग से रखो, आ जाओ। वो ये देखो यार, ओरी भी इसके ऊपर अटैक करने को, यार इनको तो इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, इन पे किसी ने अटैक कर दिया, बहुत एक्सपेंसिव हैं ये। मैं पता है क्या कहता हूं, इनको ना इनकी माँ के पास छोड़ दो, छोड़ दो। और यहाँ पे ना इनके लिए हम लोगों को एक अलग से फार्म बनाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, बांस के डंडे लेके आने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं शाम में, ये अभी यहीं रहते हैं, शाम में आप लोग इनको घर ले जाएंगे। देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग रात को सर्दी में नहीं रहेंगे, तो इनके लिए हम लोग रूम में कोई जगह वगैरह बनाएंगे, कोई जगह वगैरह बना देंगे। ठीक है, और भाई मस्त हो गए यहाँ पे, मस्त हो गए खेल रहे हैं। अच्छा लग गया ना भाई। बस ये हस्की पप्पीज के पास नहीं जाना, उधर नहीं जाना भाई, आपने उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उसको भी लेके आओ। आपको क्या लगा हमारा टर्की बर्ड शरीफ हो गया? अभी भी आप पीछे लगने लग गया, अभी भी पीछे लग रहा है। लाल कर ली उसने अपनी, वो देखो, वो देखो भाई उसकी, तो देखो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये जो हमारा टर्की बर्ड था ना, उसने ओए 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 भाई अभी भी पीछे लग रहा है। तो ये अली आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, इनको उधर लेके जाओ, जाओ चलो। चड्डी लाल को बुलाना पड़ेगा, चड्डी लाल कहाँ है? चड्डी लाल यार, हम लोग ना अभी काम से जा रहे हैं, ठीक है, ये बकरी के बेबीज हैं, इनके लिए अलग से घर बनाना। मैं तो पता है क्या बोल रहा हूँ, बकरी के बेबीज को ना कैज में बंद कर देते हैं, ठीक है ना, इनको कैश में बंद कर दे। जब इनको दूध शूद पिलाना होगा ना, वो जिनसे हमने खरीदी है ना बकरी, उन्होंने बोला अभी तो इनको दूध शूद पिलाया हुआ है, शाम को इनको दूध पिलाना पड़ेगा। शाम को इनको दूध पिला के हम लोग अपने घर ले जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, इनको यहीं पे बंद रखेंगे, ये यहाँ पे बंद रख देते हैं, और यहाँ पे लॉक वगैरह लगा दे चड्डी लाल, ठीक है? और अभी ना मुझे जाना है, एक मेरे दोस्त थे ना उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो मुझे अभी जाना फौजगी में, और पापा को मैंने बुला लिया। अबे भाई हस्की पपीज क्या हो गया, इनको खाना छाना खिलाया चड्डी लाल? सबको खिला दिया खाना छाना। साइकिल भी ठीक हो गई होगी आपकी? साइकिल अभी शॉप बंद हो गई होगी, तो फिर भाई मैं आके लाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है,
और इस व्लॉग को मैं यहीं से एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे नहीं हो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और मैं फौजी से वापस आके हम लोग आज खेतों में भी जाएंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो खेतों का होगा और हम लोग जमीन के अंदर से मूंगफलियां निकालेंगे। तो आप लोगों ने वो वाला व्लॉग भी जरूर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग के।